कर सके, हलन चलन कर सके, ऐसा रिप्लेसिबल यानी बदला जा सके उस प्रकार से। एंटी यानी डालना अथवा रखना, लैब लैब का मतलब होता है वो। ओके तो हम ट्रांजिशन स्टार्ट करते हैं, सभी लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। द गुड लॉर्ड वॉज बिजी विद वॉज एक्सट्रीमली बिजी दैट डे, इन दिनों उस दिन, मतलब उस दिन की बात है कि उस दिन भगवान बहुत ही ज्यादा बिजी थे। He was on into his sixth day of overtime, यानी छह दिनों से वो लगातार ओवरटाइम कर रहे थे, यानी अधिक देर तक कार्य कर रहे थे। When he was working with full concentration, जब वो पूरा ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे थे, an angel appeared and talked, वहां पर एक देवदूत प्रकट होता है और बोलता है, You are taking so much care for creating this creature. तो ये जो क्रिएशन यानी ये जिस प्राणी की आप रचना कर रहे हो, इस प्राणी की रचना करने में आप बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हो। दैट इज ट्रू सैड द लॉर्ड, भगवान ने बोला हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। डू यू वॉन्ट टू नो द डिटेल्स, तो क्या तुम इसके बारे में जो डिटेल्स है, जो भी जानकारी है वो जानना चाहोगे। वॉट आर दे द एंजल वॉज क्यूरियस, अब जो देवदूत है वो आतुर हो जाता है और पूछता है हाँ बताइए क्या। All her parts should be movable and replaceable too. भगवान बोलते हैं कि इसके जो भी parts होंगे यानी जो भी भाग होंगे वो कैसे होंगे, हलन चलन कर सके और बदले जा सके, इस प्रकार से ही होंगे। She has a lamp that disappears when she stands up. उसके पास एक गोद होगी, जब वो खड़ी होगी तो वो गायब हो जाएगी। I have to endure her with a kiss that can cure everything from a broken leg to broken heart. Okay? तो मैं उसके में एक किस भी रखने वाला हूँ जो क्या करेगा, चाहे कोई भी घाव क्यों ना हो, चाहे उसका दिल टूटा हो या पैर टूटा हो, यानी यहाँ पर आपको आइडिया होगा कि वो वंडरफुल क्रिएशन किसकी है, एक माँ की क्रिएशन हो रही है। ठीक है, एक माँ की क्रिएशन, माँ की मतलब कि माँ की रचना की जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। माँ की गोद होती है जिसमें जाके लेटते हैं, लाड करती है माँ हमारी। ओके, तो वो खड़ी होती है तो गोद गायब हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हमको कोई तकलीफ होती है, किसी से हम नाराज हो जाते हैं या दोस्त से झगड़ा हो जाता है या चोट लग जाती है, हम किसके पास आते हैं, सबसे पहले दौड़ दौड़ अपनी मम्मी के पास जाते हैं और वो हमें थोड़ा स्नेह करती है, हमारा सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। सी मस्ट बी एबल टू रन ऑन एनी फूड। ओके, Moreover, she has to have six pairs of hands. उसके अलावा जो हाथों की है वो कितनी जोड़ी होनी चाहिए, छह जोड़ी। भगवान कितना डालना चाहते हैं, हाथों की छह जोड़ी डालना चाहते हैं। She must be able to run on any food available and should have three pairs of hands. ताकि जहाँ मनी में भी छह जोड़ी हाथों की डालना चाहता हूँ और उसके अलावा इस प्रकार से होगी वो कि कहीं पर भी भोजन अवेलेबल होगा, जहाँ पर फूड अवेलेबल होगा वहाँ पर वो दौड़ करके ला सके। एंड शुड हैव थ्री पेयर्स ऑफ आईज, और आंखों की तीन जोड़ी होनी चाहिए। भगवान कुछ इस प्रकार से रचना कर रहे हैं। द एंजल शुक हिज हेड स्लोली एंड सैड, तो जो देवदूत होता है वो धीरे से अपना सर हिलाता है और बोलता है, माइटी इम्पॉसिबल टास्क, ये तो बहुत ही बड़ा और असंभव कार्य है। टास्क यानी क्या होता है, कार्य। इम्पॉसिबल यानी असंभव, ओके, और माइटी यानी बहुत ही बड़ा। आई सपोज, मेरा ऐसा मानना है, सिक्स पेयर्स ऑफ हैंड्स नो वे, हाथों की छह छह जोड़ी वो ही नहीं सकती है। नो दीज हैंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, नहीं कि हाथों की जो छह जोड़ी की जो बात हो रही है मेरे लिए समस्या का विषय नहीं है। भगवान बोलते हैं, इट इज द थ्री पेयर्स ऑफ आईज, ये तो आंखों की तीन जोड़ी है, दैट द मदर्स हैव टू हैव, जो कि मदर के पास होनी चाहिए। लॉर्ड लुक पसर, आप भगवान कैसे दिखते हैं, असमंजस में दिखते हैं, दुविधा में दिखते हैं।